वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, तो व्यूज़ ये है जब सुबह का टाइम, व्यूज़ नाश्ते का टाइम है। यहाँ पे मैं आज व्यूज़ मेरा दिल किया है वो हरी मिर्च और प्याज वाला अंडा खाने का ना, तो मैंने इसमें हरी मिर्च काटी है, थोड़ा सा प्याज काटा है, थोड़ा सा नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की। मैंने कहा चलो यार स्पाइसी सा अंडा बना के खाते हैं। यहाँ पे पराठा रेडी होने लगे हैं और देखें यहाँ पे हम ऑयल अब डालते हैं अंडे के लिए। जी आज मेरा दिल था अंडा पराठा खाने को ना, अंडा पराठा खाने को दिल व्यूज़ कर रहा था मेरा। और देसी घी का पराठा रेडी करते हैं व्यूज़। देसी घी देखें तब थोड़ा सा बस रह गया। और देखें सुबह का टाइम है, गंद देखें कैसे किचन में पड़ा हुआ है। सबके किचन ऐसे मुझे उलट पुलट हो जाते हैं जब सुबह का टाइम होता है। और यहाँ मेरे बेटे ने देखें कचरा डाला हुआ, भी सब काम होने वाले हैं व्यूज़, सफाई होने वाली है। और देखें अभी आपको हर तरफ चीज़ें बिखरी नज़र आ रही होंगी। चलें जी नाश्ते को रेडी करते हैं। ओके अंडा बनाते हैं व्यूज। अभी सब तरफ देखे गंदे ही गंदा है। हाँ जी, तो व्यूज देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा एग जो है ना, देखिए व्यूज बन गए। मैं 2-3 दिन से ना वीडियो नहीं बना पा रही अपनी, जरा मैदे का मसला हुआ हुआ था तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं ज़रा वीडियो नहीं बना पाई। अंडा भी देखें टूट फूट का शिकार हो गया भी उस तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले आज मैंने कोशिश की, मैंने कहा आज मैं ब्लॉग इसका नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ। देखें यहाँ पर पराठा रेडी किया हुआ है। देखें जी देखें देखें मैं यहाँ पर माशाल्लाह से ऑमलेट रेडी हो चुका है। आज मैंने एक अंडे का ऑमलेट बनाया है, 2 अंडों का ऑमलेट व्यूज़ नहीं बनाया मैंने। यहाँ पर पराठा रेडी होने लग गया, पराठा देखे पूरे तवे जितना बन गया, बहुत रोटी बड़ी हो गई है व्यूज। हाँ जी, तो व्यूज देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा पराठा रेडी हो रहा है, ऑमलेट रेडी हो चुका है। यहाँ पे पराठा रेडी कर रहे हैं। बेटा मेरे कहता मामा जल्दी से मुझे नाश्ता बना दे, मैंने कहा ओके बेटा बन रहा है बस नाश्ता आपका। मम्मी ने अंडा पराठा खाना है इनका। अच्छा जी बन जाता है, बीमार हो सही हो कुछ भी हो काम तो करना ही करना ना, माँ ने बच्चों के लिए करना ही करना है व्यूज, चाहे कुछ भी हो जाए माँ ने तो फिर उठना ही होता है, बच्चों के लिए करना ही होता है काम। देखें जी देखें मौसम भी चेंज हो रहा है व्यूज, बहुत दुनिया बीमार है, बहुत लोग बीमार हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये मौसम चेंजिंग है, सब कुछ हो रहा है। चलें जी यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो रहा है और ऑमलेट बन चुका है। और आज व्यूज दोपहर के खाने में बनेगा गोभी गोश्त, गोभी गोश्त बनेगा। अभी मेरी खाना हंडिया वगैरह मेरी आ चुकी है, गोभी गोश्त बनेगा व्यूज आज। ओके चलें जी हम नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। पराठा देखेंगे माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। हिजर आ जाए, नाश्ता पेटे बन गया, आ जाए। हाँ जी, तो व्यूज देखे माशाल्लाह से यहाँ पे अब है जी दोपहर का टाइम और आज गोभी गोश्त बनने लगा है। 2 आलू पड़े थे, वो भी मैंने काट दिए हैं, गोभी काटी है, उनको मैंने धो के अच्छे तरीके से रख दिया है। और यहाँ पर मैंने चिकन ऐड किया है, इसके भुनाई करके फिर मैं गोभी ऐड करूँगी, उसको दम पे रख लूँगी। उसमें ऐसे ही गोभी बनाती हूँ ना, दम पे गोभी बनाती हूँ। बर्तन मैंने वॉश किया, बस उससे पड़े हुए हैं और बस घर क्लीन होने वाला रह गया। और साथ में मेरी चाय बन रही है व्यूज़, यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं अपनी। साथ में मैंने अपने बेटे के कपड़े भिगो के रखे हैं, मैंने कहा चलो इनको भी वॉश कर लेती हूँ। मैं हाथों हाथ सारे काम व्यूज ख़त्म करती जा रही हूँ। खाना रखा है यहाँ पे, कपड़े भिगो के रखे हैं, टिप करके रखे हैं बेटे के, इनको मैं वॉश करती हूँ।
हाँ जरा व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से यहाँ पे चाय रेडी हो रही है व्यूअर्स। देखें जी, देखें यहाँ पे चाय रेडी हो रही है। यहाँ मैंने गोभी ऐड कर दी है व्यूअर्स में। देखें जी, देखें कितनी खूबसूरत व्यूअर्स लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है व्यूअर्स। चल मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो गोभी व्यूअर्स ऐसे बना लूँ। थोड़ा मैं मुझे थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है आजकल, तो मैंने कहा चल जल्दी से बन जाए इससे पहले कि मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाए। तबीयत बिगड़ने लगे तो मैंने कहा चल ना जी फटाफट ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तो काम मुकाओ, बस सारा कुछ विच पाओ तो इनू रख दो दम तो बन जाएगी आप ही। चलो जी, लुक वाइज देखें कितनी खूबसूरत लग रही है व्यूअर्स। देखें जी, देखें और यहाँ पे चाय भी डाली है और बच्चा पार्टी पीछे जी खेल रहे हैं। चलें जी, इसको करो बंद तो रखो दम पे और पुल जाओ फिर। चलो जी, हाँ जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है। देखें जी, देखें माशाल्लाह से गोभी गोश्त रेडी हो चुका है व्यूअर्स। देखें अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से हमारा खाना रेडी हो चुका है और यहाँ पे व्यूअर्स पराठा बन रहा है। देखें जी, देखें खीजा के दादा का पराठा बन रहा है यहाँ पे व्यूअर्स। देखें मुझे कहते मैंने अपने पराठा बना दो, कहते मैंने अचार के साथ खाना है, उनके लिए पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से खाना रेडी हो चुका है, गोभी गोश्त रेडी है, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है व्यूअर्स। पीछे हज़ारों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। असर का टाइम है व्यूअर्स, नमाज अदा करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ओके चलें जी, इसमें मैंने व्यूअर्स काली मिर्च भी ऐड कर दी है और धनिया भी ऐड कर दिया। ओके चलें, और पराठा भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। देखें जी, देखें आज का व्यूअर्स देखें, यहाँ पे मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए इसके बाबा के दिल ने थकारा व्यूअर्स। बड़ी सुस्ती पड़ी हुई है आजकल, पता नहीं सुस्ती वाले दिन जा रहे हैं, दिल नहीं करता कुछ नहीं, दिल करता बस सोए रहें लेटे रहें। चलें जी, कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है, खा भी लिया मैंने तो, और अब अलमारी वगैरह सेट करते हैं। ओके बस ये देखें, ये हमें शादी पे गिफ्ट मिले थे जोड़े, जब मैं यकीन कर रहा कि भूल गई हुई थी, मुझे कोई याद नहीं था। आज मैंने अलमारी को खोला है और पूरे एक साल के बाद ये जोड़े निकले हैं। ये मेरा सूट है और ये हिजर के बाबा का सूट है। ये हमें हिजर की चाचू की शादी पे मिले थे व्यूअर्स, जो मैं रख के भूल गई हुई थी, मुझे कोई याद नहीं था। देखें जी, देखें ये अनस्टिच है, स्टिच होने वाले हैं व्यूअर्स सूट, करवा लेंगे कोई फंक्शन वगैरह आएगा तो करवाऊंगी। अब फंक्शन तो है हमें, एक मेरी देवरानी उनकी सिस्टर की शादी है तो, लेकिन मैंने ये नहीं पहनना, ये मैंने स्टिच भी नहीं कराना अभी, वो मेरा बड़ा प्यारा स्टिच हुआ है सूट जो मैं पहनूंगी इंशाल्लाह। मेरा हेयर कट टाइम वाला मैं उनके नसीब ने कर मियाँ, उस उनका अच्छा नसीब करे, बुलंद नसीब करे उनका जिन बच्ची की शादी है। अल्लाह मियाँ सब माँ बाप को की परेशानियों को दूर करें, सबकी बेटियों के नसीब बुलंद हों, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हों। आमीन सुमा आमीन।